आस्था क्या है ये इस तस्वीर से देखिए। गर्मी चरम पर है, तापमान 40 को पार कर रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की एक आस और ये उम्मीद कि बाबा हाथ रखेंगे, भभूत देंगे और चमत्कार हो जाएगा। ये आस्था ऐसी है जिसमें विश्वास सर्वोपरि है। तभी तो अभिप्राय इस धूप में बैठे हैं, बाबा बागेश्वर के एक इंतजार में। रोज दरबार में जाते थे लेकिन बाबा से मिले नहीं, तो अब परिवार कुर्सी लेकर हाईवे पर जम गया कि बाबा आएंगे, देखकर गाड़ी रोकेंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बाबा बागेश्वर में इस आस्था को देखकर हमारे संवाददाता ने अपनी गाड़ी रोकी और अभिप्राय से जानना चाहा कि पूरा मामला आखिर है क्या। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का आज पटना में आखिरी दिन है, यानी जिस रास्ते पे खड़े हैं ये पटना नौबतपुर का रास्ता है और ये इस रास्ते से आज बाबा आखिरी दिन गुजरेंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिए जहाँ पर हजारों लोग जो है वो सड़कों पे बाबा के स्वागत में खड़े हैं और ये लोग जो है हर दिन यहाँ पर खड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गर्मी में धूप में यहाँ पे पिछले कई घंटों से खड़े हैं। ये तस्वीर मुझे दिखी है जो वाकई आप भी देखेंगे तो चौंकेंगे। ये तस्वीर देखिए, पैरों से ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं लेकिन बाबा के लिए भक्ति है और पिछले 3 घंटे से बीच सड़क पे इस देख सकते हैं कि इसके सारे स्टैंड के सारे वो यहाँ पे बैठे हैं इस उम्मीद में कि बाबा का जब काफिला जाएगा तो बाबा जो है वो रुकेंगे और कम से कम आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिसके बाद इनकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनके परिवार वालों का जो आस्था है वो बाबा के साथ जुड़ा है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग लगातार बाबा के दरबार में जा रहे थे लेकिन वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाए, इसकी वजह से आज सड़क पे आना पड़ा है। अब हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिप्राय कुमार शर्मा है। कड़ी धूप है, चिलचिलाती धूप है, यहाँ आप बीच सड़क पे बैठे हैं कितने घंटे से? 3 घंटे से बैठे हुए हैं। बाबा से बहुत कुछ उम्मीद है। क्यों बैठे हैं आप? बाबा से मिलने के लिए। बाबा से मिलने के लिए? हाँ। क्या बाबा से मिलने के बाद आपको क्या लगता है क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, भरोसा है पूरा? हाँ। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड। झारखंड से आए केवल बाबा से मिलने? हम लोग उम्मीद पे आए। परिवार से? मेरे बेटा है ये। अच्छा। मेरा बड़ा बेटा है, हम लोग को विश्वास है कि ये ठीक ही हो जाएगा, इतना विश्वास है, हम लोग विश्वास के साथ ही यहाँ खड़े हैं। हम दरबार जहाँ लग रहा है दरबार में भी गए, दिव्य दरबार में भी गए लेकिन अर्जी नहीं लगा मेरा, नहीं बाबा से नहीं, दर्शन नहीं हुआ। आज बीच सड़क पे बैठ गए हैं धूप में चिलचिलाते, विश्वास है कि आज मेरा दर्शन होगा और मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। कब से प्रॉब्लम है? बाय बर्थ है मेरा। अच्छा। लेकिन जब यहाँ पे आए थे तो क्या सोच कर आए थे कि बाबा से मिलेंगे सब ठीक हो जाएंगे? थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो बहुत उम्मीद है। हाँ। आज बाबा अगर रुकेंगे तो क्या कहेंगे आप बाबा से? कि किसी भी तरह थोड़ा सा मेरा तकलीफ कम कर दीजिए, किसी भी तरह मेरा तकलीफ कम कर दीजिए। उम्मीद है पूरा कि बाबा तकलीफ कम कर देंगे। हाँ। आज लग रहा है बाबा गाड़ी का काफिला जो है वो रोकना चाहिए। रुकना चाहिए। बाबा को आवाज देंगे आप? हाँ। अभिप्राय नाम बताया था ना आपने? हाँ हाँ। देखिए किस तरीके से भक्तों का आस्था जो है वो बाबा के साथ जुड़ा है और ये लोग झारखंड से चल के बिहार आए हैं इसलिए कि बाबा का दर्शन हो जाए, बाबा इन्हें आशीर्वाद दे दे और जो बाई बर्थ इन्हें प्रॉब्लम है उसमें कुछ थोड़ी भी कमी आए, जिसके बाद परिवार में खुशियों का माहौल आएगा। और इस वजह से पिछले 3 दिनों से लगातार दरबार जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर इनकी मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में आज बीच सड़क पे चिलचिलाती धूप में देखिए किस तरीके से सर पे गमछा रख अभिप्राय जो है वो यहाँ पे बैठे हैं और बाबा के इंतजार में बैठे हैं। इनका कहना है कि बाबा की गाड़ी जो है वो आज रुकेगी और इन्हें आशीर्वाद देंगे, ये बाबा को आज आवाज़ भी देंगे आशीर्वाद देने के लिए। देखते हैं बाबा का काफिला जो है क्या अभिप्राय के लिए इस रास्ते पर रुकता है, क्या बाबा इन्हें आशीर्वाद देते हैं। हमारे साथ बने रहें। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।